आपको यकीन नहीं है ना मुझ पर, है ना? आपको लग रहा है मैं धोखा दे रही हूं आपको? हाँ, वहीं जा रहा हूँ, पहुँच के बता दूंगा। ये धोखा देने की कोशिश किसी को मत करना, खास तौर पर मुझे। मैं तुमसे मोहब्बत जरूर करता हूं, लेकिन सच और झूठ में फर्क कर सकता हूं। आपको यकीन नहीं है ना मुझ पर? है यकीन, है। बस दुआ करना, ये यकीन कभी ना टूटे। सब खत्म हो जाएगा जुगनू, सब खत्म हो जाएगा। मारिया, क्या हुआ? अंदर चलते हैं ना, सब क्या सोचेंगे। एक सवाल पूछना था तुमसे, इसलिए रोका है। एंड डोंट वरी, कोई कुछ नहीं सोच रहा होगा। कौन सा सवाल? तुम डर रही हो। मैं क्यों डरूंगी भला? तुमने शक्ल ऐसी क्यों बना रखी है? अगर तुमने मुझे फजूल मजाक के लिए यहाँ पे बुलाया ना, तो मैं अंदर जा। अच्छा सुनो सुनो, देखो सवाल मेरा अभी भी वही है। क्या है? तुम्हें मेरे जज्बात पे यकीन है? नहीं। क्या अंदर हमारी शादी की डेट फिक्स हो रही है और तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन ही नहीं? तुमने तो मोहब्बत कहा ही नहीं, पर मुझे ये नहीं पता था कि जनाब को अचानक से मोहब्बत हो जाएगी। ये कोई अचानक वाली मोहब्बत नहीं है। यूनिवर्सिटी के डे वन से तो मुझे अच्छी लगने लगी थी। हाँ वो अलग बात है,
इस बात की रियलाइजेशन मुझे खुद काफी देर से हुई है। मारिया देखो सब वेट कर रहे हैं, ये लेके जाओ। दिन बहुत थोड़े हैं जया भाई, बेटी की रुखसती की तैयारी तो करनी होगी ना हमें कुछ ना कुछ। कमाल करती है भाभी आप। आसिफ साहब, आप अपने दिल का टुकड़ा हमें दे रहे हैं हमारे घर को रोशन करने के लिए, उसके बाद हमें क्या ही चाहिए? अल्लाह की मेहरबानी से हमारे घर में सब कुछ है। आंटी बाबा बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं, आप खुद ही देख लें इस घर में मारिया के सिवा आपको किसी और चीज की कमी नजर आ रही है जनाब। अरे मेरी बहन को चीज कह रहे हो, बहुत ही कीमती और नायाब है, ऐसे मत कहो। I'm sorry, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा हम सही बताइए, आपका भी अपना कोई बिजनेस है? नहीं अंकल, हम सब बिजनेस नहीं करते, वो तो एक्चुअली तो बिजनेस ही समझें एक तरह से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टाइप। हालांकि मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि बड़े दामाद होने के नाते ये मेरे साथ मेरे बिजनेस में काम करते, बट आप तो जानते हैं आजकल के बच्चों को इंडिपेंडेंट होना बहुत पसंद है इन्हें। देखिए ये इंडिपेंडेंट होने का जो माइंडसेट है ये भी कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, बंदे को इस तरह से सोचना चाहिए, लेकिन अपना बिजनेस बिजनेस होता है। नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। यास्मीन आंटी थोड़ा कॉन्शियस हो रही हैं, वरना मेरा कोई बिजनेस नहीं है, ना इंपोर्ट का ना एक्सपोर्ट का। कौन सा बेटा? आप जॉब करता हूं एक अच्छी कंपनी में, अच्छी पोस्ट पर हूं, इतना कमा लेता हूं कि अपने घर का खर्चा उठा सकूं आसानी से। लेकिन मेरा लाइफस्टाइल और स्टेटस आप लोगों जैसा तो नहीं है, लेकिन मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है इस बात पे, बल्कि मुझे बहुत फख्र है कि मैं सेल्फ मेड हूं। एनीवे आप मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा लगा आप सबसे मिलके, देर हो रही है। सोनिया मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम आ जाना। हमजा सलाम अलैकुम जी।